করু পতি তো না তোমার বিনা কেহ না পতি যাহার নি কটে গেলে পাপ দূরে যার এমন দয়াল প্রভু के बा को था पाय दिवानयाया प्रभू के बा को था दा गंगा र उपर स हइले पश्चाते पाब गंगा दर्शने पवित्र करो ये तुमार गो दर्शने पवित्र करो ये तुमार गो তার হরিণ হরিণে তোমার স্থানে অপ রাধে নাহি পরিত্রা তোম স্থানে অপরাধে স্থানে অপ রাধে স্থানে

জন্মে করিয়াশা চরণে প্রতি জন্মে করি আশা চরণে রধূরি প্রতী নরতমে কর দয়া পনার বলি নর

जय विष्णुपात परमहंस परिवराज का आचार्य अष्टर सत श्री श्रीमद डिभान ग्रे सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय स्कंडराचार्य विभिटी डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय श्री श्री गौनिताय की जय गौ प्रेमानंदी हरी हरिगो

स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानि तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं चैतन्य देवं। परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणलिता श्रीविशाखा नितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय श्री भूतळे श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यने गौरतिशय नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रियद्वैतगदाधरशिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 <laughs> कृष्ण कल ने जो पिछले क्लास था उसमें है ये प्रसंग चर्चा प्रारंभ हुई थी पुरुरवा और उर्वशी का प्रसंग तो अभी महाराज पुरुरवा के जो गुणगान को किसकी मुख में श्रवण करके नारद मुनि के मुख में श्रवण करके उर्वशी इस मर्त्यलोक में महाराज पुरुरवा को मिलने के लिए पधार गई थी वैसे इसका पीछे भी कहा गया था कि कैसे बैकग्राउंड था कि उर्वशी को अभिशाप था क्योंकि मैत्र वरुण ऋषि के क्योंकि उर्वशी इतनी सुंदरी है क्योंकि भगवान की नारायण की आंख आंख की भ्रू से उत्पन्न हुई थी तो उनकी सुंदरता को देखकर वो दोनों के दोनों मुनि होने पर भी इतनी तपस्या होने पर भी उनकी बीजस्फलित हो गए थे तो उसी से उन्होंने इनको अभिशाप दिया थे कि, कि तुम मर्त्युक में जाकर मनुष्यों की भोग्या बनोगे हैं किसी मनुष्य मुन, के प्रति आकर्षित हो जाओगे है? तो इसलिए यदि वो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अपसरा थी लेकिन फिर भी उन्होंने जब नारद की मुख से पुरुरवा की गुणगान सुनी तो फिर वो आकर्षित होकर उसी मृत्युलोक में आ गए आ गए तो मृत्युलोक में फिर महाराज ने पुरुरवा उर्वशी को देख कर सामने उर्वशी की उपस्थिति में अत्यंत उल्लसित हो गए हैं सौंदर्य जी को देखकर उर्वशी के सौंदर्य जी को पूरा मुग्ध हो गए उसके हाथ हाव भाव से महाराज पूर्व बाब को पता लग लग गया था कि ये मेरे पास में आई है विशेष रूप में इसके कामना काम रसना काम रसन को चरितार्थ करने के लिए है समझ गए तब तो उन्होंने वो उर्वशी को बहुत अच्छे आसन में बैठाया बैठाया कर उनसे पूछे कि भाई कैसे मैं तुमको तो प्रसन्न कर सकता हूँ मैं आपकी कैसा सेवा कर सकता हूँ तुम क्या खाती हो कैसे क्या भोजन करोगे कैसे है? कैसे रहे तुम्हारा रहन सहन सब और ने तो कहे था कि कहे थे कि देखो राजा मेरे खाने के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं तो इस मरते लोगों की जो आहार है मरतीवासियों की वो मेरा आहार नहीं बन सकती है ठीक है फिर भी यदि मैं कुछ खाऊंगी तो शुद्ध घी से है प्योर गाय के घी भेजाल नहीं है तो प्योर शुद्ध घी के घी से बना हुआ कुछ खाद्य पदार्थ को स्वीकार कर सकती हूँ तो इसलिए प्रभु लगते कि इसे पता लगाना चाहिए कि स्वर्ग की जो निवासी है वो केवल शुद्ध घी की है बनी हुई चीज खाते हैं वो भजा कुछ तेल की बना हुआ चीज कुछ नहीं स्पर्श नहीं करते हैं भगवान के पास में भी जो भोग लगता है तो शुद्ध घी के इसलिए कहा जाता है कि ना पंचरात्र विधि में तो शुद्ध घी की बना हुआ पदार्थ करना होना चाहिए लेकिन और कोई के जगह तो कोई कमेंटेटर कह कि नहीं वो उर्वशी कहते कि घी के टिन रख देना मेरे लिए दिल्ली में कुछ घी पी लूंगा हां पी लूंगी <laughs> हैं हम पानी पीते हैं तो उसको तो कुछ भी घी शुद्ध घी पी लिया और उन्होंने दूसरे शर्त दे थी कि ठीक है महाराज मैं आपको आपकी गुणगान चरित्र को और आपके सौंदर्य के द्वारा मुग्ध होकर आपके पास आ गई ठीक है मैं आपकी पत्नी का भूमिका निभाऊंगी लेकिन आप जदि मनुष्य हो मनुष्य है और देवता लोक देव मनुष्य के ऐसे अधिक गुणवान होते हैं लेकिन फिर भी आ, मैं आपकी आप किसी का गुण से कमी नहीं है आप मृत्युवासी होने पर भी आपकी सौंदर्यता आपके जो सदगुण सब है धन ने ऐश्वर्य जन्म ऐश्वर्य सुत सी ये सभी में आप पूर्ण है तो इसलिए मैं आपके आपके साथ रहूंगी लेकिन एक शर्त पर मेरे दो मेरे साथ दो क्या है मैं इनने क्या बोलते भेड़ की भेड़ के बच्चे हैं छोटे छोटे भेड़ के बच्चे हैं तो ये दोनों को मैं अपने पुत्र मानती हूँ ये दोनों मेरे साथ भी स्वर्ग से यहाँ आ गए हैं तो इसलिए इनकी सदा रक्षा करते रहना है और दूसरा संभोग की अला दूसरे समय में मैं आपके नग्नों शरीर को नहीं देखूंगी इसलिए प्रभु हैं स्वर्गों की जो निवास होते हैं वो संभोग के अला दूसरे समय में नग्न नहीं रहते ब कुछ ऐसा क्या आधा आधा अर्ध नग्न ड्रेस नहीं पहनते जैसे आजकल की सभ्यता में लोग कई नाइट क्लब सो जो क्लब बना गए इतने नाइट क्लब ये सब उसके ही पर्पज है सो आधा नंगे नंगा रहना पंधे रहना लेकिन आप जानना चाहिए कि स्वर्गों के निवासियों का भी ऐसा नहीं है जदि वो भोग विलास भोगलोक है लेकिन फिर भी इन्होंने आचरण में शुद्ध होते हैं। है? से उर्वशी जो सत्य रखी थी तो महाराज पुरुरवा सत्य को स्वीकार कर लिए थे तो एकदम उल्लसित हो गए थे काम इतनी काम में जर्जरित हो गए थे जो भी कंडीशन देना चाहते थे तो उर्वशी स्वीकार करने के लिए तैयार थे है? उन्हें स्वीकार कर लिए इसलिए कई सालों तो बीत तो गया किन के साथ उर्वशी और पुरवा दिन रात है बिहार करने लगे यहाँ तक कि स्वर्गों में जाकर नंदन कानन में अन्य स्वर्गो की जो ऐसे सुंदर सुंदर गार्डन में भी है बिहार भ्रमण करने लगे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे पुरवा भी कोई साधारण नहीं थे कि उर्वशी कोई साधारण स्त्री नहीं थी ये स्वर्गों में भी जा सकते थे है? स्वर्ग में तो आई थी महत्व जाए लेकिन महाराज पुनर्वा की पराक्रम ऐसे था कि वो भी स्वर्ग में भी जाने में सक्षम थे तो लेकिन कई बीत जाने के सोचा कि उर्वशी कहा दिखाई नहीं पड़ती है मेरे दरबार में उर्वशी का चेहरा दिखाई नहीं पड़ती जितनी भी डांस करने वाले स्वर्ग में है सुंदरता में गुण में नृत्य करने में सर्वश्रेष्ठ अवसरी है कौन है उर्वशी उसको भगवान ने मुझे भेज दिया था है? तो वो कहाँ गया कहां गयी उर्वशी तो जो पता लगा कि ये तो आ गई थी इधर वहां बताए थोड़ी है मरत्यलोक में कई साल बीत जाने से उनका कितना दिन होता है स्वर्ग में एक साल बीतने से है एक दिन होता है तो इसलिए वो देखा के दो चार दिन देखा दे, माने दो चार साल माने दो चार दिन बस तो कहा है उर्वशी के नहीं? तो पता लगा कि उर्वशी लोक में है मित्र है? वरुणों के, मित, के अभिशाब से तो उन्होंने कहा कि फिर गंधर्वों को बोला है ले जाओ कैसी भी उसको उनके चुंगल से छिड़ा कर लेके आओ मेरे दरबार में मेरे दरबार पूरा फीका पड़ गया है उसकी उपस्थिति में अनुपस्थिति में किसके उर्वशी के जाओंधर्यन कर रही थी सज्जा में कौन? उर्वशी और उसके बाजू में दो महीने को जो भेड़ के बच्चे दोनों को रख, रखे रखी थी पालन साथ ये गए सीधे वो दोनों बच्चे दोनों जो भेड़ के बच्चे को उठा के भागे अंधार में आता लेकिन आए जब उर्वशी तो बड़े तीक्ष्ण शब्द में है बड़ी कड़क शब्द में गाली देने लगे तो, महाराज महाराजा को ऐसे ही नपुंसक कायर पति मुझे मिला है वो मेरी रक्षा भी नहीं मेरे को क्या करके मेरे जो पास में जिनको पुत्र समान कंडीशन दे कर नहीं पाया था उसको भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हैं। मैं तो मारी गई हूं कैसा क्यों ऐसे ऐसे कहे कि ऊपर से भत्सना करने लगी है किसको पूर्वा को है सिला कहते पहला पहला संबंध में तो चंद्रमुखी दिखाई पड़ती है जब फिर वो लेकिन ये कुछ थोड़ा कमी होती तो फिर वो मुख खुलती है है, है? बन जाती सूर्यमुखी फिर ज्वाड़ामुखी बनती है, है? तो रूबसी ने जो कठोर शब्द में भत्सना करने लगे महाराज पुरुरवा को पुरुरवा ने मैंने क्षेत्रीय राजा है तो उनको बड़ा अपमान लगा तुरंत तो ही उठे सज्जे से उठ के सीधे अपने खड़ग पकड़ लिए भागे उनके पीछा करने लगे किनके ये जो भेड़ की बच्चों को लेके गंधर्वों की पीछा करने लगे गंधर्व तो भाग रहे थे लेकिन वो समझ गए अभी तो ये नंगे आ रहा है खड़ग लेकर उनको पता था कि दूर्वशी का उर्वशी का क्या कंडीशन है तो इसलिए ने अपने ही शक्ति से पूरा आलोकित कर पूरे बिखर सा, गया सारा महाराज पूर्व पूरा आलोकित हो गया है तो वो तो छोड़ के भाग गए महाराज पूर्वरबा जब आए तो, तो भेड़ को छोड़ बच्चों को छोड़ के आगे चले गए महाराज भेड़ दोनों बच्चों को लेके फिर वापस आ रहे थे तो लेकिन आलोकित कर दिए पूरा पूरा आलोक में फैल गया तो उ, कि यारी ये नंगे हैं उसको भी पता था गंदरा मुझे चाहते है इंद्र है तो बस बुला हो गया वो मैं वो बोला दोनों दु, भेड़ के बच्चे मेरे पुत्र है पुत्र पुत्र कुछ नहीं वहीं से वो गायब हो गए अंतर ध्यान हो गए चले गए बस अपने स्वर्ग में वापस से बस चले गये महाराज पूर्व के देखे कि और उर्वशी सज्जा पर नहीं है और तो पागल हो गए है ध्यान संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात सम्मोह सम्मोहात श्रुति विभ्रम श्रुति भंसात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात हाँ? इसके पक्के शिकार बन गए कौन महाराज चले गए लेकिन इनको और कुछ भी नहीं शून्य आयतम जगत रहने में हाँ? हाँ? उर्वशी विरह में पूरा जगत को शून्य दिखाई पड़ा कहाँ आए कुछ नहीं समझे पागल की तरफ घूमने लगे शून्य आयतम सब जगह कहा उर्वशी उर्वशी है हाँ? भगवान के नाम यदि ऐसे रटते थे थोड़ा हैं जैसे उर्वशी के विरह में इनको पूरा शून्य दिखाई पड़ा ऐसे भगवान की विरह में शून्य दिखाई पड़ता है जगत सर्वंग गोविंद विरहण में लेकिन जो स्त्री संघ का प्रभाव इतनी प्रबल होता है स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त और असत संग त्याग यही वैष्णव आचार है तो पागल हो गए तो घूमते घूमते कई ऐसे ही पागल की तरफ घूम रहे थे राज्य राज्य प्रजा वजा, कुछ नहीं सब पूरा पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे है? उर्वशी को ढूंढ रहे थे तो हटात कुछ साल के बाद उनको एक दिन उर्वशी मिल गई कहा कुरुक्षेत्र में है कुरुक्षेत्र में उसके पांच सहेली उसके सखी थे साथ में उनके बीच में उर्वशी थी है? और अपसराए थे चार पांच और ये महाराज पूर्व रवा वहां पर उर्वशी को देख कर रहे भिवड़ होकर भागने लगे उसको हैं उर्वशी के पास उर्वशी ध्यान नहीं रहे, बोले तो अरे निर्दय स्त्री क्या कर रही तू तो? मुझे छोड़ दे मेरे जान निकल जाएगी मैं मर जाऊंगी तेरे सामने ही अभी ये शरीर त्याग दूंगी शरीर मेरे है कुत्ता स्वान लंगड़ियों की आहार बन जाएगी यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे मैं जानता हूं सुखी नहीं कर पाया है? लेकिन तुम जो भी है कम से कम तो एक दो घंटा बैठो थोड़ा बैठ के एक साथ में बातचीत थोड़ा करेंगे कुछ है तुम ऐसे निर्दयी कैसे बन गई भाग रही वो सब कह के पूरा रो रहे थे जो और उर्वशी फिर रुक गई और महाराज पूर्व के पास हुँ? आई कही के राजा ऐसे ही होना आपके लिए ठीक नहीं है तब तो उर्वशी एक स्त्री है और स्त्री के स्वभाव कैसा है उर्वशी स्वयं कह रही है किसको महाराज पुरु रवा को स्त्रियां कैसे होते हैं चरित्र है? तो के बारे में बन कही है प्रभुपा जी कहते क्योंकि उर्वशी एक स्त्री थी और स्त्रियों के चरित्र के माने में इसको पूरा 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 ज्ञान थी इसलिए मोह को नष्ट करने के लिए महाराज के वो तो कह रहे लेकिन फिर भी महाराज पुरुर्वा की इतनी मोहग्रस्त हुए थे तो उनकी मोह नष्ट नहीं हुआ है वो तो बिल्लो मंगल ठाकुर थे तो चिंतामणि के प्रति आसक्ति थे तो वो तो भर्सना कर दी तो भगे ही छोड़ के छोड़ के आ गए वृंदावन बस इं? के आदर आदर बन महान वैष्णव बन गए लेकिन जो पुरुर्वाने, पुरुर्वाने कहने लगे हे देवी, क्योंकि तुमने मुझसे अस्वीकार कर लिया है अतः मेरा यह सुंदर शरीर यही धराशाई हो जाएगा और क्यों मैं तुम्हारे मुख के अनुकूल तुम्हारे सुख के अनुकूल नहीं हूँ इसलिए इससे लमड़िया तथा तो गीत खा जाएंगे कौन कह रहे महाराज पूर्व किसके लिए सर त्यागना चाहते आ, तो सम्मोहित हो चुके हैं नष्ट हो चुके ब्रह्म ब्रह्म बुद्धि लक्ष्य नहीं समझ पाती जीवन का लक्ष्य क्या है जगन का जगत का ने जीवन का लक्ष्य क्या उर्वज के साथ वो करना था महान राजर्षि थे इनको पूरे शास्त्र भी सो पता था लेकिन स्त्रियों के संग सब कुछ समाप्त कर देती है जितने भी ज्ञान कुछ सब से है। तो उन्होंने तभी अः ने कहा कि मा अमृता पुरुष अशी त्वंग मांग स्में क्वापि सक्षम नवयुस्त्रिनां ब्रुकानां हिदयं जता और बस ये रही हैं कि उर्वशी ने कहा है राजन तुम पुरुष हो बीर भी हो हाँ खेत्री राजा हो तो आपकी कीर्ति सर्वत्र फैला हुआ है तीनों लोक में पूरे विश्व के सम्राट हो लेकिन ऐसा अधीरमत हो और बस कह रही हैं और आपने प्राणों को मौत त्यागो लिए आपके शरीर त्याग दोगे फिर हैं ऐसे ठीक नहीं है गंभीर बने रहो लंबड़ियों की भांति अपने इंद्रियों के, के बॉस में मत हो तुम लंबड़ियों का भोजन मौत बनो दूसरे शब्द में तुम्हें अपनी इंद्रियों की वसीभूत नहीं होना चाहिए प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लम्बड़ी जैसे जानना चाहिए स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं है कौन कह रहे हैं? उर्वशी कह रही है, है। प्रभुपा जी कहते चाणक्य तात्पर्य में कहते कि विश्वास नैव कर्तव्य स्त्री चाणक्य पंडित की कहना है आ? किसी स्त्री या राजनीतिज्ञ पर कभी भी विश्वास मत करो आध्यात्मिक चे, चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और प, पतित है फिर उन स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए जो पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है स्त्रियों की तुलना शूद्र तथा वैश्यों बैश, बैश, से की जाती है गीता में स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती परांगति लेकिन ये जो विभक्ति स्वीकार करते थे तो फिर वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रभुपा जी कहते जो कृष्ण भावना में है तात्पर्य आगे लिखते हैं कि यदि हमारे कृष्ण भावना में तो आंदोलन में जो स्त्रियां हैं जो भक्ति को स्वीकार कर चुके हैं तो उनको ऐसे ही कैटेगोरी नहीं मानना चाहिए प्रभुपा जी कहते किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावना की पद को प्राप्त कर लेता है तो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री शूद्र हो या, या अन्य कुछ सभी बराबर होते हैं अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्त्री थी स्त्री स्वभाव को जानती थी वह न कहती है उसने कहती है कि स्त्री का हृदय धूर्त लमड़ी के समान होता है पूरा इतनी कठोर होता है और यदि यदि मनुष्य अपने इंद्रियों की बस में नहीं कर पाता तो वह ऐसी धूर्त लमड़ियों का शिकार बन जाता है तो इसलिए स्त्रियों की हृदय आगे कहते कि स्त्री तो ऐसे ही होती कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को अपने भाई को है कितनी भी को किसी की भी वो है हत्या भी कर सकती है खीर के खुर के धार के समान उनकी हृदय इतनी है कठिन होती है ऊपर में मीठा बोलती है देखने में सुंदर लेकिन उनके स्त्री को पहचानना बड़ा कठिन है स्त्री के स्वभाव ऐसे होती है, है? स्त्री के स्वभाव जैसे हम देखते कि भरतुहरी नाम सुने आप भरतुहरी राजा भरतुहरी थे किसका भाई विक्रमादित्य विक्रमादित्य के बड़े भाई थे इन्होंने पहले सम्राट थे पूरे भारतवर्ष के लेकिन उनके कई रानियां थे सबसे छोटा रानी थी जो देखने में बहुत सुंदर थी आकर्षक थी और युवती थी तो उसके प्रति आकर्षित थे ज्यादा थे सौंदर्य जैसे थे सौंदर्य जमे और कामुक भावना के कारण उसके साथ ज्यादा आसक्त थे उसी स्त्री के प्रति तो इसलिए वो स्त्री लेकिन इनको नहीं चाहती थी किसको है नहीं चाहती थी वो चाहती थे संपर्क स्थापना करने के लिए उन छोटे भाई कौन है विक्रमादित्य से विक्रमादित्य को जाकर एकांत में कहने लगे कि मैं आपके सौंदर्य में आपकी गुण इतना महान हो ये है आपके साथ में संभव करना चाहती हूँ उन्होंने तो मना कर दिया विक्रमादित्य कहीं नहीं आप मेरे भाभी हो मेरी माँ के समान है, है? ये संबंध मेरे साथ नहीं के स्थापन हो सकता है तो जो इनकार बोले कि तुम अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानोगे अभी तुझे देखता हूँ देख लेता हूं आ? तुरंत वहीं से रो रो की गई किसके पास ऐसे ऊपर से रो रो के पास के पास पहुंच गए देखिए आपके छोटा भाई मेरे साथ में एकांत में संभोग करना चाहता है उल्टा है ये यदि राज्य में रहेगा मैं जहर खा की मर जाऊंगी उसको राज्य से निकाल दो निर्वासन हर तो तो पूछे भी नहीं कि अपने भाई को भी क्या है, है इसकी बच्चन को विश्वास कर लिए किसका अपने छोटा च... ओ इनका सब जैसे छोटी रानी के बाद विश्वास करके विक्रमादत्ती को पूरा राज्य से बहिष्कार बहिष्कृत कर दिए जाकर जंगल में घूमते थे घूमने लगे है कोई ये तर्क आर्गुमेंट कुछ क्योंकि जानते हैं लेकिन ये स्त्री का में वो तो को प्रेम नहीं करता था आ? तो वो इतनी कामी स्त्री थी कि उसको कहीं काम वासना को चरितार्थ करने के लिए उसको जो सेक्सुअली जो सेटिस्फाइड कर पाएगा ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढता था स्त्रियों की दो चीज चाहिए एक उनके भरम मानी उनके अच्छे अलंकार साड़ी अपने मेंटेनेंस चाहिए धन भी चाहिए धन जिसके पास प्रचुर होता है स्त्री आकर्षित होते हैं ये धन स्त्रियों ये की आकर्षण रहता है अच्छे ड्रेस पहनना अच्छी साड़ी पहनना अच्छा गहना पहनना अच्छे कार होना चाहिए पड़ोसी को देखकर वो वही ईर्षा का प्रारंभ वहीं से हो जाती है तो उन्होंने प्रकृति में उसकी प्रेम थी एक है जो चौकीदार सिक्योरिटी इंचार्ज था वो देखने में पड़ा वो तगड़ा था देखने में सुंदर था ए? और देखा कि ये सेक्सुअली मुझे सेटिस्फाई कर सकता है ये तो बुढ़ा हो गया कौन भर तो इसलिए वो उसके साथ गुप्त रिलेशन रखे थे उसके साथ जाते उसको वो भी चाहने नहीं बोला देख अभी देखा ना विक्रमादित्य का हालत क्या हुआ है तुझे उसको धमके कैसे भी हो राजी करा के उसके साथ संभव करते थे लेकिन वो जो चौकीदार गिदा, चौकीदार का सिक्योरिटी इंचार्ज था वो रानी के रानी को प्यार नहीं करते थे उसका और कोई दूसरे के साथ उसका प्रेम था घटना है? <laughs> है? है दूसरे को प्रेम करते थे तो एक बार एक संत ने भरतोहरी को भ्रह घूमते घूमते आए भरतोहरी के तो उनको बहुत अच्छा आ तो इनकी स्वागत और अभ्यर्थना उनके व्यवहार में प्रसन्न होकर इन्होंने भरतुहरी को एक फल दिए फल आप जिसको खिलाओगे जो खाएगा ये फल को वो दीर्घ जीवन तक देवताओं के समान सदा सुंदर बनेगा सुंदर बन के रहेगा उसकी जोवनता को भी नष्ट नहीं होगा शक्ति सामर्थ्य बढ़ विरज सब वृद्धि होगा तो राजा ने फल तले मुन्नी तो चलेगा लेकिन ये बोले कि यदि मेरा ये छोटा रानी इसके सौंदर्य में मैं वही ज़िए ज़िए अच्छा तो हूँ उसका सौंदर्य यदि ज्यादा अच्छा रहेगा दीर्घशाई रहेगा ज्यादा समय रहेगा और फिर उसके साथ में है? वो कर सकता हूँ मेरे दरबार में आया हम तो मैं खा के क्या करू इसको इसको मैं रानी को खिला देता दे है? छोटा रानी सबसे अच्छे सुंदरी बन के ज्यादा समय रहेगा छोटे रानी को दे दी छोटे रानी ने कहा कि अरे मैं ऐसे बन के क्या करेगा ज्यादा दिन ऐसे सुंदर लेकिन अभी तो यदि मेरे साथ जो प्रेम है जो जो चौकीदार सिक्योरिटी इंचार्ज को यदि खिला दूंगा वो तगड़ा रहेगा सबसे सुंदर रहेगा मैं उसके साथ उपभोग करते रहूंगी सिक्योरिटी ने सोचा अरे मैं खा के इसमें क्या करूंगा मैं यदि जो प्रेम करती हूँ वो जो है कोई चंपा बेसिया को उसको यदि खिला दूंगी उसको खिला दूंगी तो बहुत है हमारा अच्छा रिलेशन है वो थोड़ा ज्यादा दिन जो है ना जी के रहना अच्छा है, है? उसका विरह में ये सब सोच रहे थे कि उसका बिर में मैं नहीं रह पाऊंगा जैसे उर्वशी सोच रही कि नहीं उर्व ने क्या पूर्व सोच रही कि उर्वशी की विरह में मुश्किल है रहना है तो शिक्र तो उसके चंपा बेसिया को दे दिया ले जैसे खाओ सदा तुम्हारे सौंदर्य है जैसे रहेगी तुम जोबान जवान रहोगी आ? तो इन्होंने कहा कि मैं बेस्या हूं यदि ये फल को मैं खाऊंगी फिर और ऐसे बस्यावृत्ति करते करते मेरे पाप की संख्या बढ़ते जाएगा तो ये ठीक नहीं है हमारे राजा जो है भरतूहरी <laughs> महाराज भरतुहरी पूरा हमको सभी को पालन करते हैं शासन करते हैं यदि ये फल इनको दिया जाए वो इसको खाएंगे तो अच्छा उनके स्वास्थ्य ठीक रहेगा जवान रहेंगे रहेगा, में प्राप्त करेंगे तो वो अच्छा हो, ये सबसे अच्छा चीज़ होना होगा मेरे को ये शरीर को ज्यादा ज्यादा बेचे के शरीर में रहना ठीक नहीं है उन्हें इसलिए फल को लेकर कहाँ पहुंचा राजा के दरबार में राजा को प्रणाम करके फल उनको अपने भेट, भेट दी राजा ने जो फल को लेके देखा और उन्होंने कहा कि फल का ऐसे गुण है तो ने कही ऐसे ऐसे गुण है, है, है तो राजा ने जो फल को देखे बोले बोलिए आश्चर्य की तरह के बोले ये, तो, ये फल ये तो वही फल है जो मुझे संत ने साधु ने दिया था तुम्हारे पास तुम कहां से लाए? सच कहो सत्य कहना मैं राजा हूँ राजा के सामने सत्य कहना तुमको ये फल कौन दिया सत्य कही कि मेरे जो तुम्हारा जो सिक्योरिटी इंचार्ज है <laughs> मेरे उसके साथ प्रेम हम दोनों का प्रेम है प्रेम था इसलिए उसने मुझे दिया कि मैं मेरा रूप सौंदर्य सदा ऐसा ही रहे लेकिन मैं सोचा इसको मैं खाई कि बेसिया के शरीर में क्या करूंगी बेस्या का जीवन बढ़ेगा पाप बढ़ते रहेगा हमारे राजा को देंगे तो अच्छे रहेगा राजा मने पूरा <coughs> राजा तेजस्वी बनेंगे ज्यादा दिन उनके सुन, इनके सुंदर जी की वृद्धि होगा उनके आए शक्ति वीर जो सब में समर्थ रहेंगे तो चौकीदार को बोला है चौकीदार इंचार्ज को बोला राजा ने ये तो ये फल तुम तो ये इसको दिया चंपा चंपा वैसे को हुई तो <laughs> देखते रहे वैसे उधर क्या बोले क्यों <laughs> स्वीकार के हाँ तू तो कहा से लाया फल ये फल तेरे पास कैसे आया सत्य बल नहीं तो अभी तुझे सीधा फांसी चुढ़ा दूंगी से सुली में सत्य बल एकदम पूरे सच बोलोगे तुमको कुछ दंड नहीं पनिशमेंट नहीं मिलेगा तुमने सत्य बोल दिया बोला फिर क्या आपकी जो छोटी रानी है उसने मुझे फल दी है वो मुझे जबरदस्त के मेरे को धमकी के मुझे धमकी देकर कि मेरे को नौकरी से छुट्टी कर देगी करिए तो वो मेरे साथ संभव प्रत्येक रात्रि आकर संभव करती है लेकिन मुझे ये कही कि यदि तू ये बात को कहे तुझे पैर निकला दूंगा जैसे विक्रमादित्य को निकला दिया सिक्योरिटी इंचार्ज कहा कि आपकी भाई प्रकृति में निर्दोष है कौन विक्रमादित्य इन्होंने विक्रमादित्य के साथ साथ में जाकर ही अवैध संघ की जाचना करती थी उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके नाम में झूठ बोल के उसको निकला दिया राज्य से राजा की पूरा खुल गया अच्छा ये फल मुंह दिया था ये रानी को रानी इतनी है कपटी है स्त्रियों की स्वभाव एक को साथ एक को देखती है एक के साथ बातचीत करती है और तीसरे को प्यार करती है, है? पहुंचाना बड़ा कठिन है उन्होंने तो समझ गया तो तुरंत ही वैराग्य है पूरे संसार के प्रति उत्कट वैराग्य उत्पन्न हो गया क्या उनके लिए तो वैराग्य ठीक था सुनने ही तो मैंने वो तो लेकिन ये वैराग्य हुआ था फिर वो भगवान की भजन करने के लिए घर से निकल के सब छोड़ छाड़ के धिक्कताम धिक्कताम एक बुरा प्रसिद्ध है भूगोहरी वैराग्य शतक है सौ श्लोक उन्होंने पंडित थे संस्कृत के तो उन्होंने सौ श्लोक लिखा है वैराग्य के वैराग्य शतक अपने जीवन के अनुभूति के आधार पर है लेकिन इसलिए यहां पर देखें स्त्री किसी की नहीं होते किसी की विश्वास है कैसे विश्वास कर सकते वो किसी को नहीं होते हैं उनके स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं हा? अब विशेष रूप में कलि युग की स्त्री कलि युग में जो होते हैं हा? तो इतनी आसान नहीं स्त्रियों को विश्वास करना बड़े घातक है स्त्रियों को विश्वास नहीं किया जा सकता विश्वास नैव कर्तव्य स्त्रीशु राजु ऐसा ही हम जानते हैं कि इनको अभिशाप भी है किसका महाराज युधिष्ठिर का स्त्रियां कोई भी बात को छुपा के नहीं रख सकते है छुपा के रखे थे माँ कुंती ने किसके रहस्य कर्ण का रहस्य है देव से इनको मैरिज की पहले उसको प्राप्ति हुआ थे पुत्र तो छुपा के रखे थे कर्ण जब महाभारत युद्ध क्षेत्र में है धराशाई हो गए मृत्यु मैंने अर्जुन के वाण से उनकी मृत्यु हो गया फिर भाग भाग के जाके उनके सबको आलिंगन करने लगे कौन कुंती कुछ क्या है यह हमारा शत्रु है परम शत्रु तुम इसको क्या क्या कर रहे तभी कुंती ने कहे कि मेरा, सत्रु मेरा पुत्र शत्रु नहीं है है मेरा मेरा पुत्र पुत्र बड़ा महाराज ने कहे कि तुम हमारे बड़ा भाई को हमसे ही मरवा दिया तुमने रहस्य को अभी तक नहीं बोला इसलिए मैं सारे स्त्री जाति को अभिशाप देता हूं धर्मराज है कि कोई भी बात तुम्हारे पेट में कभी हजम नहीं होगा किसी भी बात को तुम छुपा के नहीं रख पाओगे स्त्री जाति पूरा है को बोलेगे कोई बात बोलो रखना वो दूसरे पास देख मैं किसी को नहीं बोला क्या <laughs> किसी को नहीं बोला मेरे मना क्या है हमको मना है ये बात बोलने के लिए लेकिन फिर वो दूसरे को बोल देगी है ऐसे कहेगी फिर तुम दूसरे को नहीं बोलना उसको बला। तो स्त्रियों को विश्वास नहीं करना है? आपने भी कर है, है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है अपने स्वार्थ के लिए विशेष रूप में इनके सेक्स डिजायर भगवान ने क्या कर, कर्दमुनी और देवहूति उपाख्यान में वहां पर वर्णन आता है उनको संभोग करने की शक्ति पुरुष से कितना नौ गुणा अधिक है, है? तो स्त्रियों को क्या सेक्सुअली भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते वो हैं एक साथ में नौ लेकिन पुरुष ऐसे नहीं कर सकता है पुरुष के पास ऐसे सामर्थ्य नहीं है मेटेरियल दृष्टि से भी है स्त्री को संपर्क आप देखते हो लेकिन बस आपका बीर जो तो स्फलित है बस खत्म हो गया लेकिन स्त्री एक साथ में नौ पुरुष बार तो मैथुन को करने में वो आहा? समर्था है मिश्र के सुख लेने में स्त्रियों स्त्रियों के चक्कर में पढ़ना स्त्रियों को प्रसन्न करने को भी स्त्रियों प्रसन्न नहीं किया है आ, वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकती हुँ? तो इसलिए वो स्वयं कह रहे कि उर्वशी कि आप ऐसे मौत विश्वास करो हैं किसको स्त्रियों को प्रति विश्वास है राजन आप मुझे कैसे विश्वास कर गए हो है आप मुझे विश्वास करना स्त्री के जो हृदय है ब्रुकाणांग हृदय जथा है लेमडियों के हृदय जैसे वो कुछ भी नहीं विचार करती है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है हैं वो केवल किसके पास आती है बा किसके साथ रहती है हैं केवल अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए जैसे उर्वशी आई थी किसके पास पुरुरवा के पास, पुरु पास। केवल उनके सौंदर्य और काम कामवासना से जज्जित होकर तो उनके साथ थी लेकिन देखा जब जो, जो उसका शर्त जो दिया था कि दोनों बहाना था लेकिन गंधर्वों की फिर को इंद्र की इच्छा को समझ कर फिर वो त्याग कर हाँ? लेकिन अटैच पुरुष ही हो जाता है एक बार स्त्री का संपर्क संपर्क स्थापन कर लिया फिर <coughs> तो इतनी मोहित हो जाता है जैसे है महाराज पुरुष मोहित हो गए और लिखल गया लेकिन प्रभुपाजी लिखते तात्पर्य के माता जसस्य गृहे नास्ति भार्याच अप्रिय वादिनी अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहं ए भी कहा गया कि रूपपति भार्या शत्रु हां हां रूपपति भार्या शत्रु पुत्र शत्रु अनि आवरेक बीच में है हम आते ने ह ऋणंकृत पिता, आ, पिता सत्रु और, है ऋणंकृत पिता शत्रु और माताच व्यभिचारिणी है स्त्री व्यभिचारिणी यदि है वो शत्रु है, है और अति अत्य, अत्यधिक जो सुंदरी होती उर्वशी के समान सुंदर यदि कोई स्त्री है ये भी शत्रु बनती है उसके प्रति कई पुरुष आएं आकर्षित रहते हैं है? तो इसलिए ये उर्वशी कह रहे है कि हे राजन तुम आप मेरे मेरे पीछे ऐसे आसक्त मत हो है आप जानते नहीं स्त्रियों के हृदय को श्री आगे फिर ती, आप तीनों श्लोक चर्चा कर लेना चाहिए क्लास में स्त्री करुणा क्रा दुर्मसा प्रियसा हसा अग्नती अक, भ्रातरम अप्युत तो स्त्रिया जो होते हैं स्त्रियों जाति कोरोना से विहीन तथा तो धूर्त होती है वे थोड़ी भी अपमान सहन नहीं कर सकती अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती है और इसीलिए वे तो अपनी आज्ञाकारिणी पति या भाई तक का भी बध करने से करने से भी नहीं डरती है कौन कह रहे उर्वशी कह रहे हैं स्वार्थ साधन के लिए स्त्रियां कुछ भी करने के लिए डरती नहीं है।, है वो एक बार अर्जुन को भी बोला थे वही उर्वशी है उसके साथ लेकिन तो अर्जुन तैयार नहीं हुआ था क्या करे साफ दे दीजा नपुंस हो जाए <laughs> तो स्त्रिया तो ऐसे इसलिए कहते हैं स्वयं कह रहे कि देखिए स्त्रिया ही करुणा ने अकरुणा क्रीड़ा अकरुणा जिनके हृदय में कोई भी करुणा नहीं रहती है किसके प्रति मीठे बोलती है देखने में सुंदर इनके मुखा मुख में है? कोई दाढ़ी मूच नहीं होती है, है? सुंदर मैंने दे, देख लगने सुंदर देखती हैं लेकिन उनकी हृदय पूरा कोरोना से विहीन रहता है कोरोना से रहित होता है क्रू रहती है कठिन हृदय वाला प्रभुपा जी अनुवाद करते चालाक बहुत चालाक होते हैं कौन स्त्रिया मीठे मीठे बाल बात करके हाँ इतनी झूठ कहती है कि तब तो फिर भी आप आप लेकिन उनकी झूठ कहना पकड़ने पकड़ने में समर्थन जो कामी पुरुष का तो हो उसका आसक्त हो गया स्त्री की प्रति फिर स्त्री जो कहती है वो विश्वास कर लेती है तो इसलिए वो चालाक होती है बहुत चाला इंटेलिजेंट होती है क्रूरा 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 शब्द क्या है यदि क्रूरा शब्द कठिन हो दया वाली है ऊपर जगह चालाक भी होती है हु? और दूर्मर्शा सहनशील भी नहीं उनके पास सहन का शक्ति नहीं हो तुरंत ही खिप है क्रोधित हो जाती है, है? इसके वचन बड़ा कट्टु वचन में बोलने लगती है हुँ? और अपने आनंद के लिए प्रिय साहस अपने आनंद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। बन जाती है, है? आ, है, वो मार डालती है किसको अल्प अर्थ है थोड़ा सा दोष कुछ होने से बाधा आने से उनके स्वार्थ हासिल में जरूरत पड़ेगा तो वो अपने पति को अपने भाई को भी छोड़ती नहीं है किसी को भी बध करने में वो तैयार हो जाती है तो इसलिए अपने आज्ञाकारी पति तथा भाई को भी बद करने में पीछे नहीं हटती है स्त्रियों के स्वभाव है राजन तो इसलिए आप ऐसे स्त्रियों के प्रति कैसे आसक्त हो गए आप वीर हो पूरे सम्राट हो आपकी गुणगान बड़े बड़े मुनि ऋषि भी करते हैं स्वर्ग अब तो सभी लोग जानते हैं आपकी पहले ही महान राजा थे जिनकी गुण राज महाराज पूर्व की गुणगान नवंध की प्रा, पहले प्रारंभ की गई है और जिसकी गुणगान ने नारद ने स्वर्ग में आप आपकी गुणगान को देख के सुनकर मैं आई इधर हाँ, आपके पास लेकिन ये क्या देख रही हूं आप है स्त्री असक्त पुरुष है हाँ? ये आपके लिए ठीक नहीं दे रहा है ठीक नहीं देख रहा है हाँ? लेकिन इतने सारे कहने पर भी ने उर्वशी पर अत्यंतिक आसक्त थे इसलिए ये कहिए वो जो गाली दे जो कुछ बोल रही थे इनके कान में प्रवेश नहीं हर रहे जो भी है तो उर्वशी नहीं तुम ऐसा नहीं है अन्य सारे दुनिया के सब स्त्री ऐसे हो सकते हैं दुनिया के सारे स्त्री ऐसे कहेंगे तो नहीं नहीं किंतु उसके पत्नी शक्त होने के का होने पर भी उर्वशी ने उसे छोड़ दिया था लेकिन और उर्वशी स्वयं कह रही देखो कैसे होते हैं प्रभुपा जी कहते कि ऐसे दुर्लभ मनुष्य जीवन को ऐसा नष्ट नहीं करना चाहिए है दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजीनू दुख कह भक्ति ठाकुर हैं ये शरीर अंत में और न, शु, और सुगा कुत्ते खा जाएंगे हैं? तो इसलिए इसमें आसक्त नहीं होना जो उर्वशी स्वयं कह रहे है, राजा अपने दुर्बल दुर्लभ शरीर को नष्ट मत कर उर्वशी कह रहे है। लेकिन मेरे लिए एक स्त्री के लिए आपको आत्महत्या नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बोलती है उर्वशी पूर्व महाराज पूर्व शरीर को तुम्हारे सामने ही त्याग कर दूंगा है? मर जाऊंगा तुम्हारे विच्छेद बिच्चे, में होता तो क्या होता उसकी? है उसकी भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं भगवान स्वयं स्त्री के जैसे वो एक सा, कई सालों तो खाली पागल की तरफ घूम रहे थे उर्वशी विरह में यदि कृष्ण के विरह में कोई ऐसे घूमेगा क्या होगा है? भगवान प्रकट हो जाएंगे भाई इतने विरह हैं गोविंद विरह शून्य आयतम जगत सर्व है, है।, है। ये जैसे आगे ध्याय का विषय अनुपुंस संगस्त से उपजाते संज्ञा संजायत काम कामात ये जैसे क्रमिक चलता है कामात क्रोधो भी जाते क्रोधात भगवते सम्मोह सम्मोह श्रुति विभ्रम श्रुति भंगसात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रणश्यति तो उसी प्रकार ये भी आदो श्रद्धा तथा साधु संघ भजन क्या अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति आसक्ति ये स्त्री का आसक्त है या जो भक्ति के जीवन में हम किसके प्रति आसक्त होना चाहिए कृष्ण के प्रति ठीक दो अलग डायरेक्शन है, है भाव और प्रेम ये भाव में पूरा ये पूरा भावी भाव के स्तर पर है कौन महाराज महाराज पुरुरवा भाव में एक उर्वशी के हैं उर्वशी के साथ अपने भाव को प्रकट कर रहे तुम्हारे विच्छेद में मर जाऊंगी मैं शरीर धारण नहीं कर पाऊंगी है तो उर्वशी उनको समझा रहे कि भाई तुम स्त्री के पीछे लेकिन उर्वशी वो चिंतामणि की तरह भगवान के भजन करने के लिए नहीं आ? कही थी यदि वो धिक्कार के कहता था कि तुम भगवान के भजन करो मेरे प्रति आसक्त न हो भगवान की प्रति चिंतामणि ने कही किसको बिल्ल मंगल ठाकुर को है गेट बंद कर दी इधर जगह मेरे को गेट नहीं आना दोबारा हाँ? तुम्हारा आसक्ति मेरी प्रति मेरे प्रसी, शरीर के प्रति जैसा है मौड़ मूत्र ये सब मांस है हाँ? ये गंदे चीज में हाँ? कफ पित्त बात ऐसी के प्रति आसक्त ऐसी आसक्ति तुमको में हो जाएगा कृष्ण में तो तुमको सारा जगत पूजा करेगा है हाँ? लेकिन महा महाराज पुनर्वा ऐसे ऐसे इसको तो कोई एडवाइस उर्वशी नहीं दी हाँ? लेकिन महाराज स्त्रियों को श्री प्रभुपा जी कहते स्त्रियों को जो स्त्री पति पारायण और, और सती, सती रहने के लिए सती तथा पति पारायण होने के लिए ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए शिक्षा इनकी कोई उच्च हाई मान उच्च विद्यालय में जाकर डिग्री हासिल करने के लिए इनकी शिक्षा नहीं होना चाहिए शिक्षा थोड़ा सा लिखा पढ़ा सीख गए बस शास्त्र पढ़ सकता है इसके बाद इनको चरित्र कैरेक्टर बिल्डिंग और इनके चरित्र कैसे रहना चाहिए पति पारायण सती चेस्टिती। चेस्टिती को मेंटेन करना उसकी बारे में शिक्षा देना चाहिए तात्पर्य में ये लिखते है तीसरे श्लोक में तीन श्लोक में कही है महाराज पूर्व के साथ आ, कि विधाय अलिक विश्रम्भं अज्ञेषु व्यक्त सहृदा नवम नवम अभिप्स्य अभिप्सस्यः पुंश्चल्यः खैरवृत्तयः स्त्रियां पुरुष द्वारा सरलता से ठग ली जाती है अतः दूषित स्त्रियां अपने सुभेच्छु पुरुष की मित्रता त्याग कर मूर्ख से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेती है वास्तव में ये एक आ, पक, आ, में एक एक वास्तव में के बाद एक, आ, आ, नित्य नए मित्रों की खोज में रहती है अपने स्वार्थ साधन करने के लिए स्त्रियां सब समय उसी को मित्र बनाती है जिससे उसके स्वार्थ साधित होती है जिससे उसको जो उसकी स्वार्थ को उसकी काम वासना को उसकी जो भौतिक आवश्यकता को जो पूर्ण करेगी उसके प्रसाद उमित्र करती हो किसी की नहीं होती है अपने पति का ना अपने भाई का ना अपने पुत्र किसी की नहीं होती है जो वो पूरे कठोर हृदय वाली होती है और तो जैसे ही उन काम वासना को यदि कोई चरितार्थ करने बात उनकी जो इच्छा है जैसे वो अभी आप पढ़ रहे थे अपने बृहस्पति के पत्नी कौन थे तारा तारा को चंद्र में संभोग चंद्र के साथ संभोग करने में कोई ऑब्जेक्शन था नहीं उनके साथ चले चले गए थे किसी गई थी, थी? से, चंद्र बहुत देखने में बहुत सुंदर थे तो उनके उनकी मुग्धोई गई और उनके पुत्र का मना थी कि इसके और उससे पुत्र मिल जाएगा तो अच्छा है तो, उनकी उनकी तो इसलिए इनकी बुद्ध उनके पुत्र फिर तो इसलिए स्त्रिया अपने काम वासना में जब चरितार्थ करने के लिए स्वार्थ करने किसी भी पास भी जा सकती है हैं तो कभी भी अपने ऐसे जो पूरा सभी स्त्रियां नहीं होते सभी लोग अरुंधति नहीं होते हैं भगवान कहते हैं अरुंधति सती में मैं कौन हूँ अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी है तो लेकिन स्त्रियां साधारण जनरल जो विवेचना यहाँ पर दे रही है कि उर्वशी ने किसी के नहीं होते हैं अपने स्वार्थ हासिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं इसलिए कह कहा कि देखिए इनके साथ केवल झूठी दोस्ती रखती है किसके साथ अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए इसलिए एक के बाद दूसरे दूसरे के बाद तीसरे तीसरे के बाद चौथा है ढूंढते रहती है क्योंकि स्त्रियां सरलता से ठगी जाती है अतः मनुसंहिता का आदेश है कि स्त्रियों स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ देना चाहिए पर उपाजी कहते स्त्रियों को फिर बचपन में पिताजी के अधीन में जवानी में पति के अधीन में और जो बड़े फिर वृद्धा हो जाती तो फिर आपके बड़े पुत्र के अधीन में रहना ये वैदिक संस्कृति है लगते हैं। लेकिन स्त्रियों की ऐसा ही स्वभाव है ये उर्वशी कह रही स्वयं किसको महाराज को क्योंकि आप स्त्रियों को नहीं समझे हो राजा मैं एक स्त्री हूं और स्त्रियों के स्वभाव को मैं जानती हूँ स्त्री कैसे होते हैं मुझे स्वर्ग में मैं प्रश्न सब लोग मुझे चाहते स्वर्ग के सब लोग सभी देवता मैं तो आकर्षित है सभी लोग हैं लेकिन फिर भी मैं कैसे कैसे चलते हूँ कैसे हैं मैं जानती हूँ स्त्री का हृदय इसीलिए है राजा तू मेरे प्रति आकर्षण त्याग दो मेरे साथ संपर्क को लेकिन पूर्व स्थिति में नहीं थे उर्वशी का पूरा उर्वशी का पूरा इच्छा था कि पूरा पूर्वरवा को त्याग दे अपने इच्छा से पूरा नहीं तो बाध्य किए उनको कौन गंधर्व लोक इंद्र तो ने तो उन्होंने कहा कि फिर भी ठीक है हु? तुम एक पूर्व तो फिर जब कहने लगे कि नहीं नहीं उर्वशी तुम दूसरी स्त्रिया ऐसे हो सकते तुम ऐसे नहीं हो तुम ऐसे ही बोल रही हो है तुम जैसे बोल रही ऐसा नहीं है तुम मुझे मुझे चिटिंग करने के लिए ऐसे बोल रही हो है ऐसा नहीं है उर्वशी कहा कि ठीक है राजा आप तो समझ समझते नहीं मैं सत्य कह रहा हूं आपको तो समझ में नहीं आ रहा यदि आप इतनी पागल हो मेरी संग के लिए मैं साल में एक बार आपके साथ संभव करूंगी और आपसे इसे मेरे से कोई एक एक संतान प्राप्त होते रहेंगे तो अब भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे उर्वशी का संग लेकिन उन्होंने देखे कि उर्वशी भी गर्भवती है और तो फिर अपने राज्य में वापस आए फिर प्रत्येक साल उर्वशी के साथ मिलते रहे दूसरी बार जो मिले तो उर्वशी चली जाएगी ये चिंतन करके एकदम रो रहे थे बच्चे की तरफ चली जाएगी उर्वशी इतना इतने बड़े धर, धर्जशाली राजा है विश्व के सम्राट है आ? रोने लगे तो फिर उर्वशी कहा कि ठीक है मुझे जो चाहते राजा आपके साथ में थरे आप किन पूजा करो गंधर्म को कहो है ये गंधर्म की स्तुति करने लागे है भगवान की स्तुति करते हैं भगवान को मांगते हो सकता है भगवान कर देते हैं लेकिन शर्व उसको गंधर्म को फिर पड़ा है करके उनको, उनकी भक्ति गंधर्व की भक्ति करने लगे हैं गंधर्व लोग खुश होकर आए प्रसन्न होकर आए तो वही गंधर्म को, गंधर्म को ये खड़गड़े के भागे थे मारने के लिए अभी आपने अपनी उर्वशी को प्राप्त किया बस गंधर्व लोग प्रसन्न होकर आए लेकिन उर्वशी जैसा दूसरे स्त्री हाँ, लेकर आए उर्वशी जैसे देखने में थी लेकिन कह के ये उर्वशी दे, दे। राजा खुश हो गया ठीक है उर्वशी आ गए मेरे साथ पत्नी बनी की सदा सदा के लिए रहेगी अभी है हाँ। लेकिन राजा ने जब संभोग में प्रूपा जी कहती बड़े कामी थे तात्पर्य इतनी कामी थी पूर्वा तो वो अग्नि अग्निस्थली को प्राप्त करते ही तो उन्हें तुरंत ही उनकी संभोग की इच्छा प्रबल हो गई है उसमें वो जंगल में ही उसके साथ बिहार करने लगे चले गए बस तो वो उन के, उनके संभोग के समय उसका स्वभाव सब पता चल गया किसको इनका जो आचरण उर्वशी कैसे हंसती थी उर्वशी कैसे बोलती थी उर्वशी का कैसे व्यवहार था और इसका व्यवहार में सब फर्क दिखाई पड़ा राजा समझ गए ये उर्वशी नहीं है ये देवता लोग मुझे चिटिंग करके चले गए तब से वो तो राज्य में नहीं गए पूरे इतनी पागल हो गए हैं उर्वशी 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 है उर्वशी बिरण में पूरा शून्य जगत और इतनी तपस्या के करे और सत्यजुग थे राजा महाराज ने ये जो पूर्व लेकिन इसके बीच में कौन सा जुग सत्युग के लोग एक लाख साल जीवित रहते थे लेकिन इसके बीच में कौन सा प्रवेश कर गया थे तेजुग सत्य अंत हो कि आ गया तो भी फिर इनकी मन में यज्ञ की है, जुगधार, जग्या, है? है? इसलिए के विष्णु जजते तृतया फिर वो गए देखे समी के वृक्ष के बीच में गर्भ से एक अः असुस्थ पीपल का पेड़ उगा हुआ है उन्होंने उसी समी के वृक्ष के दो लकड़ी लाकर इसको घिसने लगे उसमें जो अरुणी जो अग्नि उत्पन्न हुआ है तो उससे फिर वो यज्ञ के द्वारा फिर वो प्रसन्न करने लागे अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए फिर प्रयास करने लगे लेकिन इसे अंत में उनको गंधर्वलोक प्राप्त हो गया किसको महाराज महाराजा को गंधर्वलोक में जाने से फिर वो हम गंधर्व के हो सकता है के साथ उर्वशी के साथ है अपसराव के संबंध किसके साथ रहती है गंधर्व के साथ है देवता तो केवल मनोरंजन के लिए इनको बुलाते नाचते करती बस है? तो तो इस प्रकार यदि हम देखें पूर्व यदि उसी जैसे जिस प्रकार प्रयास किए उर्वशी के साथ संबंध स्थापना करने के लिए ऐसे यदि प्रयास भगवान के लिए भक्ति है तो वो भगवधाम जा सकते थे पूरा समर्थ थे तो इसलिए भौतिक दुनिया में यदि कोई स्त्री आसक्त हो जाता है उसके सारे बुद्धि नष्ट हो जाते हैं, है सारे उसके संस्कार उसके उसकी बुद्धि उसकी ज्ञान सब लोप हो जाता है इसलिए कहते कि महत्संग आहूर द्वार विमुक्त है तमो द्वार जोशिता संगी संगम हैं। कहते। जो है यदि आप जोशिता स्त्री के संग करोगे व स्त्री संगी के संग में जो सिद्ध संग करोगे तो आप आप कहाँ जाओगे नरक की द्वारा उन्मुक्त हो जाएगा तम द्वारा साधु संग करोगे संतों के समागम में हरि कथा की चर्चा करोगे है मत्सित मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत समितं तुष्यंती च रमंति च दो मार्ग है सोच लो किसके क्या मार्ग <coughs> साधु संघ में रहकर हरी कथा चर्चा करने में और भगवान के प्रचार कार्य में जीवन को समर्पित कर देना चाहिए या किसी की स्त्री का है संग करके उनकी उनके साथ उनकी चर्चा आलोचना है उस संग करने से आपके कल्याण होगा आप स्वयं सोचकर जिसको आप अच्छा सोचते हो बुद्धिमान मनुष्य उसी मार्ग को स्वीकार करता है इसलिए भागवत हमेशा प्रवृत्ति मार्ग की भर्सना करता है और निवृत्ति मार्ग के अवलंबन करने के लिए सब समय उपदेश सुखदेव गोस्वामी वही प्रेरित करते हैं तो इसलिए ऐसे ही हमको सोचना चाहिए क्या करना चाहिए तो इसलिए स्त्री के सांग जि, जित्री संग जितने भी व्यक्ति स्त्री संघ के हैं उनकी हालत भागवत में बार बार कहा जा रहा क्या होता है जो जाति महाराज जाति की क्या हालत हुई है कई लोग कई दृष्टान दी जा रही है इसलिए विश्वास नैव कर्तव्य स्त्री सु राज कुलेश प्रभुपा जी लिखते हैं चाणक्य पंडित की कोट है तो इसलिए हमें भक्तों के संगत में रहना है प्रभुपा जी ने हमको जो ये सोसाइटी दी इसके सोसाइटी में रहते मंदिर में रहते हैं सब संग हम भक्तों के संग प्राप्त करता भक्ति साधन के पांच अंग अपने आप अप साधित तो होते हैं है? मथुरा मतलब मंदिर में रहते हैं नाम संकीर्तन होता है भागवत की कक्षा श्रवण करने की भक्तों की सेवा करने की पूरी मौका है तो अच्छा विग्रहण की भी पूजन होता है तो सभी तो इसलिए ऐसा कुछ कर्म न करें जिससे हमको मंदिर छोड़ के आश्रम छोड़ के बाहर जाना पड़े साधुओं की संगति से बाहर निकालने के लिए कोई प्रयास न कभी भी इसको सीरियसली सोचना चाहिए हम कैसे स्थिति में है हम यदि ऐसे ही कर्म करेंगे जिस कारण से हमको साधु ही छूट जाएगी है वैष्णु के साथ में रहकर तादे तादे चरणों से भी भक्त सन वास जनमे जनमे है अभिलाष इसलिए जो सुजोग हमको प्रभुपा जी ने दिया है तो इसको फिर खोना नहीं चाहिए है कोई प्रश्न है समय होने आपका समय हो गया किसी कोई प्रश्न है सभी रहने के लिए तैयार है मंदिर में ब्रह्मचारी है ठीक अच्छा सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का बनके जीवन को सेवा में नियोजित करोगे अच्छा है आ, हमने ये भी एक बस, एक चीज सुनी है कि अगर कोई स्त्री किसी को अपना दिल दे देती है दे दे, उसके बाद वो किसी और के साथ अगर स्त्री का हृदय किसी के लिए आ जाता है पुरुष के लिए तो वो उसी के लिए उसका मन बैठ जाता है तो यहाँ पे जो श्री चर्च, चर्चा कर रही है उसके हिसाब से वो अलग अलग पुरुषों के साथ भी संग करने के लिए इच्छा रखती है लेकिन तो क्या मतलब एक और चीज हमने सुन दी कि स्त्री होगी कुछ श्रेणियां हैं जैसे एक सती सती एक स्वेरिणी तो ये अलग अलग ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं बीस वेराइटी स्त्रियां हैं पद्मिनी चक्रिणी गदिनी संखिनी ऐसे सब है पूरे पुंसल स्त्री सबसे निकृष्ट होती है नीचे लास्ट ट्वेंटी वेराइटी के स्त्रियों की चर्चा की जाएगी की गई है अलग अलग स्त्री श्रेणी के इन कौली युग में और पृथ्वी लोक में जो रहने वाला स्त्रियां इनको आप ऐसे यानी कि वैकुंठ में जो रहते स्त्री उनके साथ तुलना करेंगे तो वैकुंठ में जो रहते हैं वो हायर जो वैकुंठ में स्त्रियां, वैकुंठ स्त्रियों के चरित्र ऐसा नहीं होती ऐसे ये तो कह रहे ये तो एक थी कि स्वर्गो की स्वर्ग की अपसरा थी और तो इसलिए फिर भी वो विशेष रूप में यहाँ पर स्त्रियों की चरित्र जो कह रही जो लोग उर्वशी कैटेगोरी में है हैं? देखने में बहुत सुंदर है और जिनकी मिनके मन में मैथुन की इच्छा प्रबल रहती है हैं जिन्होंने केवल आकर्षित होते किसी पुरुष को है देखकर तो आकर्षित तो इसलिए स्त्रियां कई वेरायटी होने पर भी किसी भी स्थिति में लिखे तो स्त्री किसी, किसी पुरुष का आलिंगन करें तो पुरुष का सारे सब कुछ बस वो नहीं कि मैं फिर भी मैथुन में बच जाऊंगा बच नहीं सकता है ऑटोमेटिकली वो मैथुन जीवन में म, म, मैथुन में आसक्त तो हो जाएगा ये कोई संभव नहीं है स्त्रियों की एक बार संग करने से फिर आपको बार, बार 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 संग करने की है प्रबल इच्छा है स्त्री आपको उसमें प्रेरित करेगी है कड़ी युग के चरित्राता नया इससे मिले हैं स्त्री की भी स्त्री था क्योंकि समय जैसे कहा कि इनके इनकी मैथुन मुईत, का सुख को उपभोग करने की शक्ति पुरुष से ज्यादा है, है? बहुत उनको तृप्त करना इतना आसान नहीं किस तरीके को है तो इसलिए जैसा जो रुचि कर सोचता है हा? कोई पूर्व जन्म का अभिशाप भी है सोचे क्या मैं <laughs> और वैसे तो अभिशाप प्राप्त करके आ गई थी किसके पास पूर्ववा के पास हाँ कि अजामिल भी वो विषय के प्रति आसक्त हो गए उनके कुछ पूर्व कर्म रहता है पूर्व प्रारब्ध रहता है किसी मैंने किसी स्थान पर केस थोड़ा स्पेशल होता है लेकिन जनरल केस जो ये ये जनरल केस बताया जा रहा है एक और महाराज महाराज यहाँ पे दिखाई देता है कि पुरोवा के जब त्रेता युग आया तो उनके हृदय में स्पूरित हुआ यज्ञ विधि तो वैसे वो काम वासना से इतना पीड़ित थे तो ज्यादातर हम जब ऐसे रजोगुण तमोगुण और सतोगुण की बात करते तो ऐसे तरीके से जब वो काम वासना से पीड़ित तो काम ऐसा तो तो क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव महासन महापाप में विद्ये न यह वैरिणाम भगवान कहते हैं तो ऐसे जब व्यक्ति इतना काम वासना से पीड़ित है तो उनको यज्ञ की विधि पूरे हृदय में हुई त्रेता युग आते ही और हम ये भी जानते हैं कि कलि युग में आ गया तो हृदय में क्या स्फूर्ति हो जाना चाहिए अरे ना <laughs>

या वेद का कुछ पूर्ति हो इसको तब दबा के नहीं रखा जा सकता लेकिन इसको डाइवर्ट किया जा सकता है किसके सेवा में भगवान की सेवा में ये रजगुण से प्रवृत्त होते हैं हम रजगुण में होने के कारण हमारे पास में ये दोनों काम और करो ये सब दिखाई पड़ते हैं लेकिन यदि हम स्थिति को सत्य में लेके यदि हमारे चरित्र को हमारा जो जिसके लिए होता है रजगुण से थोड़े हम यदि आप आस्ते आस्ते टेंडअप होकर सत्यगुण के सत्यगुण के स्थिति में आएंगे तदा रजस्तम भाव काम लोभादय चेतो एत ही रनाविध स्थित सत्व उपस्थिति सत्य गुण के सत्य गुण के द्वारा जो पूरा आकर्षित रहेगा फिर उसको ज्यादा सेक्स डिजायर ये सो नहीं होगा है जिसलिए वो रामानुजाचार्य की ये भाई था क्या गोविंद तो उसको दोनों परिवार चाह शादी कर ले श्रीनिवास ऐसे कई तो वो उसको बोले ठीक है उसको गुरु बोले कि जाओ लेकिन गया वो तो कि गय, उसको एकांत में वो पत्नी के साथ था उसको छोड़ दिया गया तो कमरे में गया लेकिन भागवत तो लेके बैठा <laughs> भागवत तो सुनाते रहेगी तो स्त्री थोड़ी बैठेगी बोले सुनो वो शंकर पार्वती है तो शंकर जी बोल रहे <laughs> <laughs> मरते लोग स्त्री ये नहीं होते तो शंकर पार्वती जो है तो भागेगी तो भाग्य दिन बस हम यदि सत्य गुण की प्रवृत्ति को प्रभुपाल जी यही कहते क्या सत्य गुण की प्रवृत्ति में आओ रजगुण की प्रवृत्ति आस्ते 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 हम जो साधु संघ से हमारा आहार और संघ को परिवर्तन करेंगे उससे संयम आस्ते आस्ते हमें संयमित हमारे जो पूर्ववर्त जो आचरण है वो बदल जाएगा साधु संघ में साधु संघ करने से भगवान थे भगवत प्रसाद खाने से आस्ते आस्ते हमारी प्रवृत्ति चेंज होता है महाराज सवाल ऐसे था कि यज्ञ करने के लिए जो स्पूर्ति आई उनको हृदय में ऐसे लिखा है तो उसका मतलब कि हृदय में ही उनको वैदिक विधि प्रकट हुई तो ये सब चीजें तो किसी कोई बहुत ही अच्छे स्तर पे हो अपने चेतना में उसको प्रकट हो सकता है लेकिन काम वासना में पीड़ित व्यक्ति को ऐसी चीज प्रकट होना मतलब कुछ अलग लगता है तो कीर्तन वो करेगा ना जो धर्म कीर्तन है ना नहीं वो तो सही है। तो कीर्तन तो भगवान की करेगा जो भक्त है तो ये जो कीर्तन उनका तो और ज्यादा कीर्तन होगा किसका तो जिसमें इसकी मति है तो उसमें कीर्तन करते रहेगा फिर उनकी चिंता है नहीं, और वो तो, तो, उन्होंने यज्ञ उसी के लिए किया फिर हाँ यज्ञ उसी के लिए किया ना उर्वशी को प्राप्ति के लिए इसलिए वो लोक में गए है उर्वशी को प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ किए और एक आखिरी की जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में काम वासना थी कामवास भगवान के दर्शन हुए नहीं, जब वो यज्ञ होता है यज्ञ के बाद हाँ, का है ना कि भगवान आते हैं फिर उनसे भी वो गुरु जी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ करता तो भगवान प्रकट होंगे ना भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ी यज्ञ कर रहे थे प्रसन्न कर क्या पाई ये देवताओं के द्वारा गंधर्व लोग को गंधर्वों को प्रसन्न करके गंधर्व के माध्यम से किसको प्राप्त करना चाहता है उर्वशी ने ये एडवाइस दी थी ना उनको उर्वशी ने क्या एडवाइस दी थी आप गंधर्वों को प्रसन्न करो को भागा, वो मुझे दे सकते इसलिए वो गंधर्वों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे इसलिए जो यज्ञ हम भगवान विष्णु के लिए करेंगे तो भगवान का हमारे जैसे जो है जो जथा मांग प्रपद्यंते है, है? काम ज्ञाना प्रपद्यंते अन्य बता है अन्य होता है तो काम काम वासना में जो जर्जरित होगा भगवान विष्णु को कैसे वो तो है तो तो इसलिए लोग एडवाइस भी इनको दिए थे दी थी कौन उर्वशी उनको तो कैसे भी हो मुझे उर्वशी प्राप्त हो जाए बस और उर्वशी ने कही थी मुझे प्राप्ति करने के लिए क्या करो गंधर्वों को प्रसन्न करो है तो इसलिए एक वो कैसे भी है यज्ञ तो लेकिन यज्ञ मिसडायरेक्टेड हो सकता है यार यज्ञ करना ऐसे हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं युग धर्म लेकिन संकीर्तन करने कर, करने का है अर्थ भी कई उस संकीर्तन के माध्यम से भी हमारा क्या होता है पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा हमको छोड़ता नहीं है उसके बीच में है रतन है कौन रीडिंग करेगा आरती क्या करें मेरे को कितने लोग देख रहे हैं है? गा रहा हूं तो अच्छा देख रहे कोई प्रशंसा हो रहा है कि नहीं है? सो फिर रहती है? इसलिए भौतिक इच्छा जब तक है हमारे मन में है, है? क्या कर सकते उस इच्छा को तो समाप्त करने के लिए पहले तो साधु संघ का उर्वशी का संग से उनको उर्वशी नहीं थी, उनको भगवान की प्रार्थना नहीं कही कि तुम भगवान को तपस्या करो वो तो कही गंधर्व को गंधर्व को प्रसन्न करो मुझे मिल जाऊ लेकिन जो साधु संघ महत्व आहो

he was told that find at least one bad person so he didn't see any fault in anyone he was seeing everyone as good person only कौन? is this tar maharaj so वैसे उर्वशी कैसे जानते थे महाराज जैसे अलग अलग पर्सन में अलग अलग गुण होता है अलग अलग वैसे उर्वशी कैसे बता सकते हैं ऐसा सारे स्त्री ऐसा ही होता है बता, कैसे बता सकती है ऐसे वो स्त्री है हाँ। वो जैसे हैं सारा जगत को ऐसे ही देखती है वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी वो कहाँ से प्रकट हुई थी भगवान के प्र से नारायण के तो साधारण तो अपने स्वरूप जो जैसा है वो दूसरों को सारा दुनिया को ऐसे ही देखता है, है? अपने नेचर जैसा है तो उसी के आधार पर वो अपने अनुभव है आधार पर वो आप बताइए स्त्री के नेचर ऐसे होती है मतलब अपने नेचर को बता रहे थे किसको मैं महाराज पुत्र बाप की मेरा स्वभाव ऐसा ही है मैं ऐसा ही हूँ आप फिर मेरे प्रति आसक्त रहते हो मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस कहने का मतलब था मैं तो लेकिन ऐसा स्त्रियों के चरित्र के बारे में सारे सभी जगह कहा गया है केवल ये उर्वशी नहीं कह रही इनके चरित्र बारे में और भी सब कई दृष्टान्त है जहाँ स्त्री है स्त्री के चरित्र कैसा नीति शास्त्र में कहा जा रहा है स्त्री कैसे सब कई जगह पर अनुभवी संतों के मुख से भी इसी चरित्र को वर्णन की गई है इसलिए स्त्रियां बीस प्रकार की होते हैं एक ही तो एक ही की है तो कई प्रकार के स्त्रियां होते हैं लेकिन ये तो सत्य है कि स्त्रियों के पास में उपभोग की सक, आ, इच्छा पुरुषों से ज्यादा होती है और उन शक्ति भी है उनको उपभोग करना उनको ऐसा ही ऐसा नहीं कि स्त्री को हम तीनों दृष्टि में देखे कहते कि तीनों अभिनय तीनों का तीनों भूमिका है इनके है माँ का भूमिका भी है और बहन फिर स्त्री प्रेमिका तो जैसे भूमिका और स्त्री लेकिन हमारे दृष्टि दृष्टि भी उनकी तरफ अलग होना चाहिए जो माता की दृष्टि में देखता तो फिर वो हो सकता है उनके व्यवहार में थोड़ा हम लेकिन तो हमें यदि उनको महाराज देखते ही उर्वशी को उनका काम वासना उद्दीपन हो गया तो उनको देखे तो दूसरे दृष्टि से है हमारा तो दृष्टि से भी आधार पर भी स्त्रियां हमको दिखाई देते हैं जैसे पूर्व बोलते थे महाराज पूर्व बोलते थे वो उर्वशी से सब स्त्री ऐसा हो सकता है आप वैसा नहीं होता है हाँ। वैसे कभी कभी हम भी तो पुरुष ऐसे सोचता है जो काम काम जो लष्टी एकदम एक्सट्रीम लष्टी स्तर में रहता था तो तो उसको शून्य आयतम जगत सरबंद बस उर्वशी के भी नहीं तो उनका अपने बुद्धि से थोड़ी कह रहे तो अभी भ्रष्ट हो चुका बुद्धि है उस समय बुद्धि काम नहीं करता ना महाराज कैसे बच पाएंगे हम वैसी वैसी स्थिति से कैसे बच पाएंगे महाराज साधु कृपा साधु कृपा महान संत की कृपा यदि हो जाए कोई बच सकता है केवल भगवान ही बचा सकते भगवान कहते कि मम माया दुरतया माम एवजे प्रपद्यंती माया मेंतम तरंती थे जैसे तो होते हुए फिर भी व्यक्ति यदि भगवान के शरण में जाता है बस किसी संत छोड़ देता है मेरे मन में ऐसा आता दिल खोल के फिर उनको बोलता है क्या करूं स्थिति में, में? है? तो फिर संत ने कुछ बताते इसको कुछ उपाय है, है क्या करना है लेकिन क्या हम जो ऐसी बात को कहीं खोलेंगे नहीं हम ऐसे कर रहे हैं लेकिन इसको छुपा छुपा के रखेंगे तो वो अब ज्यादा ज्यादा फिर आगे बढ़ते जाएगा तो केवल हरे भगवान कहते मैं ही रक्षा कर सकता हूँ और मेरे माया से बचा सकता हूँ और नहीं तो उनके जो शुद्ध भक्त है जो माया से स्वयं बचा है तो संत के संग करने से आस्ते आस्ते है हम देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में कोई गर्लफ्रेंड फ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेम करते हैं गर्ल है? उनका भी ऐसी स्थिति आ जाता है जो दोनों ही दोनों के लिए सुसाइड कर देना चाहते हैं यदि उनको बाधा दिया जाता है समय है प्रसंग में फिर वो उनके मन में ऐसे भावना आ जाता है, है? कि बच्चे क्या करना मुझे शरीर को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं है? कुछ भी करने के लिए तो स्थिति में आ जाता है लेकिन थोड़े दिन के बाद थोड़े साल के बाद फिर उनकी वो स्थिति नहीं रहता है वो सब समझ जाता है, है क्या हुआ है क्या हो गया था मुझे उस समय वो सोच भी नहीं क्या क्या हो रहा था है? लेकिन यदि साधु संघ हो फिर वो सत्संग सतसंग छाड़ी कहीं नु और सत्यविलास से ही लगी बांधी कर्म बंध इसलिए सत्संग को छोड़ के कभी और सत्संग करने के लिए नहीं जाना चाहिए हाँ, सत्संग प्राप्ति सदा सुलभ है भगवान की कथा है हाँ, श्रवण में हमको पूरे मौका है हाँ, तो वहाँ सदा साधु के संग में रहना तादेरे चरण से भी भक्त सने बस जनमय जनमे है यही इसलिए कभी भी प्रभुपाद जी जैसे हमको जैसे दिए हैं उसे रहना चाहिए अनुभवी संत उस भी आपने बात कहे प्रभुपाद चाहते थे जो ब्रह्मचारी हमेशा क्या रहे ब्रह्मचारी रहे है? और ये भी कहते थे कि स्त्रिया कभी अविवाहित न रहे है? कोई जरूरत है तो एक तात्पर्य में लगते प्रभुपति की जरूरत है तो समाज में कभी भी किसी स्त्रियों को अविवाहित नहीं छोड़ना चाहिए यदि स्त्रियों की संख्या ज्यादा है तो एक व्यक्ति को कम से कम दो तीन शादी करना पड़े तो स्वीकार कर ले है? जो समर्थ होता है तो एक ब्रह्मचारी को प्रभुपाज ने एक बार वो शादी करना चाहता था उसको बार बार प्रभुपाजी मना करते थे आगे मिला तो पला तो ये तात्पर्य लाके देखा दिखाया प्रभुपी प्रभुपी आपने क्या लिखा इधर देखिए आपने लिखा स्त्रियों को अविवाहित छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए मैं <laughs> प्रभुपाल जी कहे कि मैं इतने सारा तात्पर्य लिखे भागवत के सारे से में मुझे और कोई तात्पर्य नहीं लिखा यही तात्पर्य दिखाई पड़ा तो जित मोती ऑलरेडी बिगाड़ चुका है तो क्या करेगा इसको कितने में कहे पूरे पागल हो चुके हैं किसको उर्वशी पे वो जितने जो उपदेश देने से उनके कहा से घुसेगे है? है? है, है। तो क्या कर सकते में केवल भगवान ही बचा सकते यदि भगवान चाहते है? अश्या, धर्म से त्रायते महत भयात यदि थोड़ा बहुत भक्ति किया होगा तो फिर भगवान उसको चेतना है कृष्ण चाहते तो उसको बचा सकते हैं या कोई महत्व साधु संत

वो पूरा स्त्री जाति को कैसे शाप दिया महाराज केवल कुंती को देना चाहिए था ऐसा नहीं दूसरे स्त्री भी ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन कुंती क्या दूसरे भी जानते हैं इनके अमर पांचों भाई को कैसे अभी क्या कितना बड़ा तकलीफ उठाना पड़ा आ? तो ऐसा ही सारा जगत की स्थिति ना हो दूसरे किसी को भी ऐसा ही स्थिति न पहुंचे है। वो केवल ग्रस लेकर इससे ऐसे कोई नहीं कुंती को बोले लेकिन ये सारा जगत के कल्याण चिंतन करके है दूसरे की स्थिति भी ऐसा ना हो है ये छुपा के रखते रहे कोई बात को है स्त्रियां छुपा के रखते हैं तो युधिष्ट महाराज सब के लिए है इसलिए कहे कि थे जुधिष्ठ महाराज आम जैसे जीव नहीं थे अजात सत्र है उनकी को, उनको अजात शत्रु कहा जाता है वैष्णव के सभी गुण उनके पास था इसलिए इनको जजमेंट करना उनके व्यवहार है इतनी आसान नहीं है तिथिव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्र व शांत साधव साधु भूषण है ठीक है वो लोग पांडव लोग ने कभी स्वयं अपने इच्छा से प्रेरित नहीं थे उनका इच्छा इनको जो कुछ इच्छा होता था जो कुछ होता था वो उसको कौन कृष्ण की तरह प्रेरित होते थे हम्म महाराज हम सुनते हैं कि केवल नारायण ही इस काम की इच्छा से परे हैं नारायण ऋषि हाँ, नारायण ऋषि तो आ, अब अ, नम्रता पूर्वक हर साधक सोचता है ना कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा काम वासना है तो हम कहते हैं कि देखिए एक दो दो परिस्थितियां होती है एक परिस्थिति में एक कहा जाता है कि देखो आप श्रवण कीर्तन करो साधना अच्छा करो और अपनी चेतना को ऊपर उठाओ और दूसरी परिस्थिति में कहा जाता है कि देखो प्रभु आपका जो मनोभाव है वो ब्रह्मचारी आश्रम के लिए ठीक नहीं है तो आप आगे गृह आश्रम में प्रवेश कीजिए तो किसी साधक को कैसे समझना चाहिए कि अभी मेरी काम वास्ता इतनी हो चुकी है कि श्रवण काम काम नहीं करेगा मतलब काम करेगा लेकिन जिसके मन में, में काम जागृत होता है वो वाले पागल व्यक्ति है तो जागृत होता तो सब ऐसे है काम जगत उसको दिखाई पड़ता है तो लेकिन जानना चाहे कि कोई वो कहते कि जो स्त्रिया होते कैसे अग्नि के समान और ये पुरुष कैसे होता है घुत कुमान है प्रमोदा नाम ही बर्नी तो आप यदि आप प्रैक्टिकल घी डालो की आग में आग को भी बुझेगा ना क्या कोई सोचते कि भाई ये शादी कर लेंगे और डिजायर हमारा कुछ दिन तो रहेगा बस ये कभी नहीं होता है आग में घी वो रजनीश कहता है रजनीश का फिलोसॉफी है हैं ज्यादा संभोग को फ्री कर दो पूरा बस है वो हैं लेकिन यदि आप यदि स्त्री के संभोग कर, करते रहो तो कभी करते कभी भी नहीं ये समाप्त नहीं होने वाला है हैं ये अधिक जलते रहेगा इसलिए स्त्रियां आपको नहीं मुक्त करेगी स्त्री के प्रति आसक्त होोगे आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते सोचते कि मैं गृहस्था में प्रवेश कर जाऊंगा तो स्त्री के साथ मेरा समाप्त हो जाएगा मुझे जो चिंता नहीं यार बढ़ते जाएंगे स्त्री की चिंतन करके फिर अगला जन्म स्त्री ही मिल जाएगा नारद मुनि कहते जैसे हैं प्राचीन वैषद को है तो इसलिए प्राचीन वैषद ऐसे ही थे लेकिन नारद मुनि की उपदेश मिला तो चले गए छोड़ के चले गए <laughs> राज्य नहीं जो तो नारद मुनि सारे पो, 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 क्या सुनाए ये कहानी एलोगोरिकल स्टोरी वोल्केन को समझाए क्या है तो ले संत कृपा करेंगे तो बंधन घट सकता है संत यदि कृपा करेंगे तो फिर हमको सत्य बताएंगे हैं लेकिन नहीं तो हम फिर फंसे रहेंगे सही और स्त्री जो, जो जी, जी गृहस्थ आश्रम समझाने से हम काम वसना समाप्त तो हो जाएगा को ये पीक से नहीं और जो स्त्री जो कृष्ण कृष्ण भावना भावित हैं वैष्णवी होगा ये बहुत तैयार है, है इतने आसान नहीं है, है? तो महाराज कब कब समझा जाए कि ये साधक के लक्षण ऐसे हो गए कि सीधा सीधा भागवत कहते स्थाने स्थित्वा श्रुति कथान दोनों मनोभी हैं जिस स्थान में उसी स्थान में रहो स्थान को चेंज मत करो <laughs> स्थान चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला अगला आसन वो भी वहां भी सभी में कुछ कमियां है प्रत्येक आश्रम में हर आश्रम में कुछ कमियां है, है? तो इसलिए ऐसे था भागवत कहते स्थान स्थित हुआ उस स्थान में रहो और बस काय मनोवाक्य में भगवान समर्पित रहो है समाप्त तो हो जाए ग्रह स्थाश्र में जाने से नहीं और बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा आग में घी डालोगे तो बुझेगा तो नहीं है तो इसलिए जानते हुए सब कोई इसमें जो गृह अंधकूपम अंधक उपम्ला कहेगी ग्रह अंधक उपम इसको जब फंस गया तो फिर वो उसका निकलना है यदि कोई सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति और वो भगवत प्राप्ति के लिए ये सब बाधा है हैं? फिर वो जानते जानते कि कीचड़ में गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने का अर्थ है कीचड़ में घुस की जाना पैर को डाल दिया बस गंदा हो गया पूरा पैर फिर इसको शरीर धो के धो धो के फिर इसको साफ करना पड़ेगा हम टाइम लगेगा लगेगास्थ में जाने के लिए नहीं? नहीं? तो इसीलिए प्रभुपा जी कहते हैं फास्ट फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस मींस ब्रह्मचारी देन सन्यासी हैं बस और जो नहीं कर पाएंगे ठीक है क्या करेंगे वो चीटर कर, वो बनकर फिर कहते कि ठीक है रजगुण को त्याग नहीं पाएंगे रजगुण में ही रहना है उनको पसंद है तो फिर वो तो काम क्रोध है उनके पास आएगा लेकिन जो रजगुण स्थिति में प्रारंभ से होते हुए भी यदि साधु संग करके ही सत्वगुण की वृत्ति को अपना ही, अपना ही पाएंगे वो यदि साधु के पास उस स्तर को आएंगे फिर आस्ते आस्ते उनकी काम बासना डाउन होगा तो हम ऐसे संग न करें जिस संग में हमारे काम हो उसे साधु संग में रहना और हमें रजगुण की प्रवृति से बचना है सत्व प्रसिद्ध है नहीं तो तम रज रजस्तम नहीं का, काम नहीं सदार र, काम लोभा जाय फिर सुनसे सृष्टि होगा इसलिए इसी रजगुण रा, तमगुण से मुक्त होकर हम कैसे सत्तगुण स्थिति में आएंगे उसके प्रयास करना चाहिए जे आश्रम है उसी आश्रम में रहकर जानना चाहिए कि हर आश्रम में कुछ ना कुछ कमियां कुछ एडवांटेज अच्छे है, है और कुछ कमियां हैं है? इसलिए कोई आश्रम नहीं कि आपको पूरा मुक्त कर देगा सेक्स डिजायर से मुक्त कर देगा है, है? तो इसलिए ये नहीं कि ब्रह्मचर्य के पास है तो गृहस्थ बन जाएगा तो समाप्त हो जाएगा नहीं गृहस्थ में वो बढ़ते जाएगा और है फिर उस तो इसीलिए कड़ी तो आपको शास्त्र भागवत के निर्देशन है कि बस जो स्थान में है उसी स्थान में रहो स्थान स्थित्वाणी से बस भगवान की भजन करो है टॉयलेट करो है मात्रा स्पर्शस्तु कौंते शीत उष्ण सुख दुखदा दुख आगम पाई नित्यम तुम तिथिक भारत है बेसिक इंस्ट्रक्शन है गीता में है सहन करना सीखना कि इसको है। ये तो ऐसे आते जाएगी आते जाएगी रहते आ ये आ आते जाते रहेगी स्थिर नहीं रहेगी लेकिन हमारा जो स्वरूप है प्रकृति में जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास यदि हम साधु संग करेंगे ये आप, आस्ते आस्ते ये संपर्क जोड़ते जाएगा अधिक इसलिए दो पूरा डिफरेंट है, है। तो ये ज्योति ज्योषिता संघ संगे, संगम ये तो आपको नर्क में ले जाएगा और साधु संग करने से आपको मुक्ति के मार्ग में लेके जाएगा तो जिस आश्रम में हमको रहकर सत्संग में ही प्राप्त होता है उसी आश्रम में रहना ठीक है, है? तो इसलिए भक्ति में आने के पहले जो जिस आश्रम में उसी में रहो स्थिर रहो कोई ब्रह्मचारी है उस समय आ गया भक्ति में फिर वो गुरु स्वीकार कर लिया फिर उसी आश्रम में रहो इसको, इसको बदलने से कुछ नहीं होता से कुछ, कुछ, होगा, कुछ नहीं होने वाला लेकिन ऑलरेडी है भक्ति में आके भक्ति फिर भी उसको टर्न अप किया जाएगा पति पत्नी भगवान की भक्ति करके रहो बस जो आने के बाद फिर इसको आश्रम चेंज करना ठीक नहीं है स्थान है ठीक है क्योंकि सभी आश्रम में कुछ कमियां हैं हैं हरे कृष्णा महाराज महाराज जैसे मैं एक प्रश्न था कि जैसे जब हम भक्ति में जब तक हम नहीं आए होते हैं जब तक हम बाहर की दुनिया में होते हैं तो जैसे मतलब उस टाइम पे अगर हम माता जी लोगों को जैसे गर्ल्स को देखते हैं तब तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जैसे मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाता था तो ऐसा नहीं लगता <laughs> 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 तो ऐसा मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता था लेकिन भक्ति के में आने के बाद से ऐसा, लग मतलब ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बढ़ गया है मतलब अभी क्या ऐसे भी देखने पे ऐसा लगता है रे मतलब काम वासना पर बढ़ गया ऐसा लगता है पहले ऐसा देखने से काम वासना नहीं होता था नहीं गर्लफ्रेंड की संख्या बढ़ाने से भी कुछ नहीं होता वाले <laughs> ऐसे करता था हां गर्लफ्रेंड नहीं थी बड़ा हां बोल रहा मेरा आदत इससे ज्यादा हां बरादे मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाता था हां गर्ल्स कॉलेज में टीचर था टीचर थे हां तो आपका टीचर थे ना फिर शिक्षक थे टीचर थे पर तर... और इधर आए तो ज्यादा बढ़ रहा है <laughs> जिसमें हाथ लगा को मना किया जाता है उसमें हाथ लगाना इसे ये इसमें कुछ यहाँ नहीं टच करना वो क्यों टच नहीं करना क्या है फिर <laughs> टच करना चाहता है <laughs> <laughs> क्यों टच नहीं करना बच्चों नहीं जानते है, मना करते आग नहीं आग ना हाथ उस खड़ा है क्यों मना किया है फिर वो जाएगा दूसरा वही हाथ लगाएगा हा? एक बार शक लगने के बाद फिर समझ में आएगा नहीं लगा अभी तक अभी तक नहीं लगा ना <laughs> 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 मैं जब पढ़ता जो में पोस्ट ग्रेजुएशन करता तो और साथ में रूममेट साथ में रहते थे दो। तो मुझे पता नहीं था उसको एक गर्ल गाल गर्लफ्रेंड था गाल को बहुत प्रेम करता था तो बस तो गा, तो लड़की उसको धोखा दी क्या के एक दिन देखा कि बस जा गया पूरा रेल पटरी में सो के बस कट गया तो उसके जो ऐसा देख रहे तो कुर्ता पॉकेट में एक लेटर मिला एक लेटर था है। है? लडकी ने और किसके साथ संपर्क रखा था इसका साथ भी था और दूसरे के साथ किसके साथ है? इसके दिल इतने आप मैंने इसके वो इतने पर देखो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है? तो स्त्री ऐसे यहाँ आए क्या और ज्यादा नहीं ज़्यादा आपके में और ज्यादा हो रहा है पता नहीं मुझे ऐसा अनुभव नहीं आपको ऐसा अनुभव है यहाँ आने तो और सुधरना चाहिए क्योंकि लेकिन जब मन में कुछ बैठा हुआ पहले से तो फिर है साधारण तो देखा जाता है कई लोग भक्त बहुत अच्छे होते हैं यहाँ लेकिन उनके बचपन से कोई संपर्क रहता है साथ है ये फिर बाहर में आ जाते बात में सामने तो अच्छे भक्तों की संगति करना है उनकी सेवा क्योंकि साधु के संग साधु की सेवा संघ का अर्था उनकी सेवा भी है, है? भक्त पद दौली भक्त पद जाल भक्त भुक्त अवशेष तीन महावर बार-बार सर्व शास्त्रे पुकारिया कहे यही तीन होइते कृष्ण प्रेम भक्ति है हैं महान संतों की जे तीनों चीज को यदि कोई पास होई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फोर्सफुली ऐसे कैसे को नहीं हैं सेवा है? करके उनके प्रसन्न करके उनसे यदि कृपा आशीर्वाद प्राप्त करता है तो, तो जीवन सुधारेगा इसमें कोई शंका नहीं है जो संशय रखता है होगा कि नहीं आ रहे तो खाऊंगा लेकिन पता नहीं इसके तो अभी कोरोना के समय में अब बार और कोई में तो वो भी आ जाएगा मेरे पास है संशय रखते रहोगे तो संशयात्मा विनशी है, है? इससे तो अपराध बन जाता है कृपा के बदल पर वैष्णव अपराध बन जाओगे इसलिए वैष्णव की सेवा करके उनकी कृपा आशीर्वाद तीनों चर्च के आश्रय करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त धूली भक्त पद जल भक्त अवशेष तीन महाबल खाओगे तो आप भी काम बसना पड़ेगा साधु संघ में रहते हुए भी हमारे मन में भौतिक भोग वासना नहीं होना चाहिए इसलिए कहा कि दो चीज को बहुत ध्यान देना चाहिए आहार और संग ये बहुत प्रभाव ये दोनों हमारे पूरा जीवन को बदल सकते हैं यदि हम केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे विषय का अन्न न आ, खाए हो विषय अन्न खाई ले मलिन है विषय अन्न खाई ले मलिन है कर्म भी लेना पड़ता है इसलिए आहार का शुद्धि कृष्ण प्रसाद सत उपाय से धन जो खा रहे हैं ब्रज के संत माधुकरी करके ब्रजवासियों के घर में खाते क्योंकि ब्रजवासियों की चेतना शुद्ध रहता है और वो जो करते हैं कमाई करके खेती में अनाज कमा के उसमें कुछ काला धन नहीं होता है ये लेकिन भजन करते हम तो कहीं कोई विषय व्यक्ति के खाओगे तो फिर वो आपकी मति में कलुषित होगा उसके कर्म भी आपको कुछ अंश लेना पड़ता है बुद्धू नहीं ये लोग अपने घर में बुलाते किसी खाने के लिए <laughs> तो हार के शुद्ध आहार के ही रखना चाहिए और भक्तों की संगति है उन्नत भक्तों की संगति करने से फिर और कुछ, कोई कोई चीज को सेक्रेट नहीं रखना चाहिए है? दिल साफ भक्त किसी बात को विशेष पर अपने कमियां को कपट नहीं करना ये जो कमियां है उसको सबके सामने बोल देना चाहिए मेरे पास में ये सो तो भी फिर तो वो जो स्पिरिचुअल डॉक्टर जो आध्यात्मिक वैद्य है तो आपको ट्रीटमेंट करेगा है? तो भी वो समझेंगे फिर आपको कुछ इसका प्रतिकार का उपाय बताएंगे छुपा छुपा के रखोगे तो एक दिन वो विस्फोट गए निकल जाएगी बाहर है, है? मंदिर के वक्त एक प्रश्न पूछ रहे क्या कहा स्त्रियों को कैसा देखना है माता के समान बाई फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ सीलो प्रभुपात हैं टू सी एवरी वूमेन एबव को हम सम्मान देते हैं व्यवहार करते हैं है? तो उसी प्रकार स्त्रियों के साथ हमारा संबंध इसी दृष्टि से होना चाहिए माँ की दृष्टि से है तो इसमें मदर कहना केवल नहीं कि आपको खाली एड्रेस एड्रेस करने के लिए ऐसे चिंतन भी मन अंतकरण में होना चाहिए उनके प्रति सम्मान रहना चाहिए वो सम्मानित करना चाहिए उनके व्यवहार अच्छे व्यवहार रेस्पेक्टफुल व्यवहार करना चाहिए स्त्रियों तो की दूसरा ऐसा जो, जो दूसरे कमी को हमें आम देखना हमारा काम नहीं है हम उनके गुण को देखना चाहिए और विशेष रूप में हमारे फाउंडर आचार्य हमारे गुरु ने जो हमको उपदेश दिया है मातृवत नीतिशास्त्र कहता है मातृवत और अध और लौष्ट्रवत पर दूसरे के धन को ऐसे ही तो इसलिए हमें हमारे हमें प्रभुपाजी को फॉलो करना चाहिए स्त्रियों को कैसे आचरण करना है कैसे कलकत्ता में एक प्रभुपा जी मॉर्निंग वॉक में गए थे तो उनके साथ सारे सन्यासी लोग गए थे सन्यासी लोग सब चर्चा कर रहे थे स्त्रियां कैसे होते हैं ऐसे ऐसे ठू मछ बहुत है सन्यासी को रहना है चर्चा कर स्त्रियों के बारे में बहुत चर्चा से तो कलकत्ता टेम्पल वही है वही स्टेप में जब ऊपर उठते थे है? स्टेप में जा रहे थे तो वहां से जमुना माता जी थी जिन्होंने एक बहुत सुंदर गार्डेंड बना के रखे थे और वो हलाकर वो गार्डेंड पहना दी किसको प्रभुपाद जी को प्रभुपा जी ने अपने ऐसा झुका दिया सिर वो डाली तो प्रभुपाज ने घूम के देखे सन्यासी की तरफ कि इफ यूसिएट है यूर फोल्टा तुरंत प्रभुपाज ने कहा है? और कई ब्रह्मचारी उन्नति ब्रह्मचारी भी सुना है कि दूसरे स्त्री के एसोसिएट का जमुना माता के पास जो भी एक साथ में बाजू में बैठने पर ही उनकी मन, मन में कोई कुछ बुरा फीलिंग नहीं आता है क्योंकि वो स्त्रियां भी उनके अंतकरण की चे, चेतना भी सब अलग अलग स्तर में होता है इसलिए सभी स्त्री जैसे एक जैसे नहीं होते हैं तो इसलिए हम तो जानते नहीं कौन स्त्री कैसा है लेकिन कम से कम दृष्टि से मातृवत पर है सभी स्त्रियों को माँ के समान देखना चाहिए यदि ब्रह्मचर्य रहना है जो गृहस्थ है तो वह अपने पत्नी के अलावा दूसरे सब स्त्रियों को माँ के समान देखेगा है ब्रह्मचारी तो सभी को मां के समान दिखेगा है? ठीक है और, और कोई प्रश्न है ठीक है यही प्रश्न करते हरे कृष्ण शील प्रभुपाद की हरे कृष्ण आगे के दो तीन दिनों के लिए महाराज इधर ही रहे।